परसेंट तक ठीक है, बट थोड़ा सा बस ये यहाँ पे डर लगता है, बाकी इधर कितना भी दर्द हुआ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है तो डर सा लगता है कि ज़्यादा दर्द होता है। तो 70% में पहले से अभी तक क्या क्या ठीक हुआ है? ये जो भारी चलता था ये हाथ भी थोड़ा सा, जैसे मैं मूवमेंट करता था जैसे नहाते हुए टपन सब मूवमेंट लगा था, तो ऐसा भी किया तो थोड़ा सा इसमें दर्द हो, थोड़ा सा वो कम है। पेन हो रहा है नहीं इसमें? नहीं अभी नहीं, नहीं ना? अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, एक दो बार चल लीजिए। पाँव में जो दर्द आता था कमर का दर्द, वो पाँव में दर्द नहीं आता था, भारी सा रहता था, तो रात में जब अपन सोते थे तो ये पर ऑटोमेटिक से फट से उतर जाता था। ओके, नींद में शायद भैंस दर्द जाती होगी तो पता नहीं, तो ऑटोमेटिक उतर जाता, वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता। और जो हाथ में आता था पेन वो कैसा था और अभी कैसा है? हाथ में पेन आता था, आता था, अभी हाथ में पेन नहीं आता। सिर में पहले कैसा था और अभी कैसा है? सिर में ज़्यादा और कुछ हुआ तो आता था, ये इसमें दो तीन दिन में थोड़ा थोड़ा आने लगा है, कुछ नहीं करते थे। मैंने बताया था ना आपको कि ये जॉइंट ऊपर नीचे है और ये भी ऊपर नीचे है, उसके वजह से वो होता है जैसे खाने का। ये क्यों ऊपर नीचे चला जाता है? अगर अपन गर्दन ऐसी रखते हैं बहुत महीने बहुत सालों के बाद होता है एकदम से। हाँ, ये एकदम से नहीं है ना, हाँ एकदम से नहीं है, बहुत महीने या साल लग जाता है। जैसे ये ऊपर नीचे हो गया, ये डीएमजे जॉइंट हॉस्पिटल ऊपर नीचे हो गया, उससे होता क्या है वो खींच के रखता है, तो कभी भी खाने का सोने का टाइम कभी भी कम ज़्यादा हुआ या बॉडी पेन या स्ट्रेस हो गया या फिर ज़्यादा या लाइट या स्क्रीन या मोबाइल का स्क्रीन भी आप ज़्यादा देर तक देखिए तो फिर वो किसी को सिर दर्द देता है ना, किसी को भारी लगता है ना, किसी को आंखों में यहाँ पे दर्द देता है ना, किसी को उल्टी आए जैसा लगता है, बहुत सीवियर रहे तो किसी को उल्टी नहीं आती है, किसी को आ जाती है, हाँ किसी को दिखने में भी धुंधला लगता है, चिड़चिड़पन लगता है, गुस्सा आता है, अकेले रहने का मन करता है, ये सब पूरे माइग्रेन के सिम्टम्स।